वेलकम टू तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलिब्रिटी प्रॉब्लम तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस एंड काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है गाइस एंड कई बार ऑनलाइन असेसमेंट्स में भी पूछ लिया जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है

वो सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी है एंड उस पार्टी में उसको सब जानते हैं लेकिन वो किसी को नहीं जानता है उस पार्टी में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी हम लोगों को मिलता है तो हम लोग को क्या करना है उस सेलिब्रिटी को रिटर्न कर देना है तो ये बेसिकली क्वेश्चन है तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाता हूँ तो लेट से हमारे पास तीन बंदे हैं एक पार्टी में जीरो वन एंड टू है ना जैसे कि लेट से इसको ले लो पर्सन वन पर्सन टू एंड पर्सन थ्री इस तरह से ले सकते हो तो बेसिकली इसको इंटीजर्स में डिनोट कर दिया गया है जीरो वन टू थ्री जो भी पर्सनस हैं पार्टी में ठीक है तो तीन परसेंट पार्टी में देखो ये सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छा ये सेल तो देखो गाइस डायगोनल वाले सारे सेल इररिलेवेंट है कैसे कि जीरो जीरो को जानता है जीरो जीरो को जानता है मतलब मैं खुद को जानता हूं यार ये तो सा बात हो गया तो जीरो जीरो को जानता है इसी तरह वन वन को जानता है तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो इसको देखो क्या ये इस वाला सेल क्या डिनोट कर रहा है कि जीरो जो है वो जानता है वन को जीरो जो है वो जानता है वन को इसी तरह देखो यहाँ का वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू जो है वो जानता है वन को ठीक है टू जो है वो जानता है वन को एंड जीरो जो है वो भी जानता है वन को ठीक है अब देखो इस सेल का क्या रिप्रेजेंटेशन है कि जीरो जो है वो टू को नहीं जानता है जीरो जो है वो टू को नहीं जानता है तो देखो इस सेल से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर जीरो जो है वो वन को जानता है दैट मीन्स कि जीरो तो है वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है जीरो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है क्योंकि वो वन को जानता है अगर वो किसी को जान रहा है तो वो सेलिब्रिटी नहीं है ठीक है देखो वन वन को देखो वन जो है वो किसी को नहीं जानता है भाई साहब है ना तो वन इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट ये क्या है ये एक पोटेंशियल सेलिब्रिटी है कि हो सकता है ये सेलिब्रिटी हो ठीक है अभी पूरा हम लोगों ने चेक नहीं किया है अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रो में तो देखो सेकेंड रो में क्या है कि टू जो है वो जानता है वन को टू जो है वो जानता है वन को तो टू तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि टू अगर वन को जान रहा है भाई तो टू सेलिब्रिटी नहीं है ठीक है तो अब देखो अब देखो वन को कितने लोग जान रहे हैं वन को जो है जीरो भी जानता है टू भी जानता है वन को एंड वन खुद को तो खैर वो तो यार रिलेवेंट है तो वन को कौन जान रहा है वन को जीरो भी जान रहा है एंड टू भी जान रहा है एंड वन किसी को नहीं जानता है देखो वन ना तो जीरो को जान रहा है ना तो वो टू को जानता है तो वन किसी को नहीं जानता है तो वन डोंट नो एनी वन डोंट नो एनी वन एंड एवरी वन एवरी वन नोज वन एवरी वन नोज वन वन को सब जान रहे हैं लेकिन वन किसी को नहीं जान रहा है दैट यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे वन की भाई साहब वन जो है वो सेलिब्रिटी है तो दैट इज द्वेश्चन गाइस तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली एक पार्टी है जिसमें एक एन पीपल है एंड तो हम लोगों को फाइंड करके बताना है कि वो सेलिब्रिटी है या नहीं उस पार्टी में कोई प्रेजेंट एंड सेलिब्रिटी होने का कंडीशन क्या है गाइस कि वो किसी को नहीं जानता होना चाहिए मतलब वो किसी को ना जाने लेकिन सब लोग उसको जाने ये कंडीशन है तो यहाँ पे ये कंडीशन को ही मैं मिटा देता हूँ तो कंडीशन आपको क्लियर हो गया है कि कोई उसको जानता हो मतलब सारे लोग उसको जानते हो एंड वो किसी को नहीं जानता हो ये बेसिक सा कंडीशन है तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा guys, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का देखो क्या है वन जो है वो सेलिब्रिटी है है ना तो वन वाली रो को देखो एक बार वन वाली रो को देखो इस रो से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऑल जीरोज है जो सेलिब्रिटी वाली रो है उसमें ऑल जीरोज है, है ना यहाँ से ये बात निकल के आ रही है ठीक है अब देखो इसका कॉलम देखो एक बार है ना इस वाले का कॉलम देखो वन का कॉलम देखो है ना वन जो है वो सेलिब्रिटी है तो वन के रो में क्या पता चल रहा है वन के रो में ऑल जीरोज है एंड उसका एक बार कॉलम देखो कॉलम अगर देखे वन का वन के कॉलम में जैसे कि वन वन को छोड़ के मतलब खुद से इट सेल्फ वाला छोड़ के जैसे कि वन कामा वन टू कामा टू इसको छोड़ के सारे जो कॉलम्स है सारे जो कॉलम की वैल्यूज है वो क्या है वो है वन तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी अगर रो मिल जाए जो कि सारे ना जिसमें कि सारे जीरो पड़े हुए हैं एंड उसका कॉलम जो है उसी सेम एलिमेंट का अगर जो कॉलम है उसमें सारे वन पड़े हो एक्सेप्ट डायगोनल वाला एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल वाला एलिमेंट अगर सारे वन पड़े हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो सेलिब्रिटी है ठीक है तो इस थिंकिंग के साथ इसको कोड कैसे किया जा सकता है इस थिंकिंग के साथ देखो इसको कोड कैसे किया जा सकता है कि हम चलाएं एक लूप एक लूप हम चलाएं कि इसमें बेसिकली जितने भी पर्सन हैं तो एक लूप चल जाएगा आई जीरो से लेकर के एन तक ठीक है दूसरा लूप किस में चल जाएगा जैसे कि अभी हम लोग जीरो पे तो हम लोगों को क्या चेक करनी है एक रो चेक करनी है एंड जीरो वाली भी चेक करनी है ना? तो हम लोग एक लूप चलाएं किसके लिए एक लूप हम लोग चलाएं रो के लिए एंड एक लूप चलाएं हम लोग लिए कॉलम के लिए एक लूप चलाएं रो के लिए एंड एक लूप चलाएं हम लोग कॉलम के लिए एंड यहाँ पे हम लोग ले लें एक बुलियन वेरिएबल लेट्स से बुलियन इज सेलिब्रिटी एंड इस तरह करके हम लोग चेक करते जाए कहीं पे ऐसा कंडीशन हम लोगों को मिलता है ऑल वाला रो रो जिसमें कि ऑल जीरो ऐसा कॉलम जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट वन है अगर ऐसा हम लोग को मिलता है तो हम लोग वहां से कर देंगे रिटर्न तो ये इसका सबसे ब्रूट फोर सोल्यूशन है गाइस जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो देखो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर है क्योंकि फॉर के अंदर हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं बेसिकली ये बिग ऑफ एन लेगा एंड ये भी बिग ऑफ एन लेगा एंड ये एक फॉर लूप के अंदर हो रहा है तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कॉन्स्टेंट है ठीक है तो ये इसका एक सोल्यूशन था हालांकि क्योंकि इंटरव्यू में होगा इस बताओगे अब देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे तो देखो इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना ये हमारे पास मैट्रिक्स है देखो कितने लोग हैं हमारे पास जीरो एक बार कंडीशन लिख लेते हैं देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेलिब्रिटी होने की कंडीशन क्या है कि नोज नो बडी ये किसी को नहीं जानता है एंड एवरी वन नोज एवरी वन नोज हिम ये कंडीशन है किसकी सेलिब्रिटी होने की ये दो कंडीशन है बेसिकली अब इन दोनों कंडीशन को बस ध्यान में रखना एक हम लोग बना लेंगे स्टैक है ना एक हम लोग बना लेंगे स्टैक एक हम लोग स्टैक बना लेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे सारे एलिमेंट्स को पहले क्या कर देंगे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी पर्सन है बेसिकली उसको हम लोग कर देंगे स्टैक में पुश किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो जीरो वन टू हम लोगों ने कर दिया स्टैक में पुश ठीक है अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हम लोग दो दो एलिमेंट को एक एक बार पॉप करेंगे स्टैक में से तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग लेंगे दो एलिमेंट ए एंड बी दो एलिमेंट लेंगे बेसिकली स्टैक में से एंड उसको करेंगे हम लोग पॉप ठीक है तो लेट से ए में आ गया क्या टू एंड बी में आ गया वन है ना ए में आ गया टू एंड बी में आ गया वन तो हम लोग क्या चेक करेंगे हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या इफ इफ ए नोज बी

अगर ए जो है वो अगर बी को जानता है दैट कि ए सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता है यहां से मैं ये बोल सकता हूँ तो अगर ए सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या कर देंगे इस टैग में पुश कर देंगे किसको इसको बी को हम लोग पुश कर देंगे कि ठीक है ए सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है ना तो हो सकता है कि बी सेलिब्रिटी हो क्या पता है हमें तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोगों ने क्या किया था जैसे कि वन एंड टू को हम लोगों ने पॉप किया था ठीक है वन एंड टू को पॉप किया था हम लोगों ने चेक किया कि क्या ए जो है वो बी को जानता है तो हम लोग चेक करेंगे एम ऑफ टू कमा बन एम ऑफ टू कमा वन को देखो तो क्या ए बी को जानता है नहीं जानता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब एल सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि क्या बी जो है वो ए को जानता है क्या बी जो है वो ए को जानता है तो क्या बी ए को जानता है अगर बी जो है ए को जानता होगा तो बी नहीं हो सकता है सेलिब्रिटी ये बात आपको ही पता चल रही होगी कि अगर बी जो है वो अगर किसी को जान रहा है तो बी तो सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता है क्योंकि बी को सेलिब्रिटी होने के लिए क्या चाहिए कि वो किसी को ना जानता हो एंड सारे लोग उसको जानते हो तो ठीक है तो क्या चेक करना होगा एम ऑफ वन टू हम लोग को चेक करना होगा देखो एम ऑफ वन टू हम लोग चेक करेंगे तो एम ऑफ वन टू देखो एम ऑफ वन टू में क्या पड़ा है जीरो पड़ा हुआ है अरे यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो ऐसा नहीं हो सकता है एम ऑफ टू कमा वन कहाँ पर एम ऑफ अच्छा सॉरी गाइस सॉरी 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 यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया था एम ऑफ टू कमा वन तो यहाँ पे है ना तो एंड यहाँ पे वन पड़ा हुआ है दैट मीन्स कि टू जो है वो वन को जानता है सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था एक बार फिर से देखो एक बार फिर से देखो सॉरी देखो हम लोगों ने क्या किया एम ए कॉमे बी अगर वन है तो तो एम ऑफ टू का वन देखो एम ऑफ टू का वन देखो तो टू रो एंड वन वाली कॉलम तो यहाँ पे वन पड़ा हुआ है यहाँ पे वन पड़ा हुआ है दैट मीन्स कि ए जो है वो बी को जानता है यानी टू जो है वो वन को जानता है दैट मीन्स कि टू तो है वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है भाई साहब तो क्या करो जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने टू एंड वन को पॉप किया था तो क्या कर दो वन को फिर से पुश कर दो वन को पुश कर दो कि टू तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है लेकिन वन हो सकता है सेलिब्रिटी इट मे बी अ पॉसिबिलिटी इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वन जो है वो सेलिब्रिटी हो सकता है ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे हम लोग दो दो एलिमेंट्स एक एक बार इस टैग में से पॉप करेंगे एंड हम लोग इसी तरह चेक करेंगे क्या ए बी को जानता है अगर ए बी बी को जानता है तो ए सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है डीसी का वाइस वर्सा कि अगर बी ए को जानता है तो बी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है ठीक है तो इसी से हम लोग ट्रेवल्स करेंगे तो देखो अब हमारे पास टैग में क्या पड़ा है हमारे पास टैग में पड़ा है जीरो एंड वन ज़ीरो एंड वन बड़ा है तो पॉप हो जाएगा तो ए में आ जाएगा वन एंड बी में आ जाएगा हमारे पास जीरो ए में आ गया वन तो अब हम लोग चेक करेंगे एम ऑफ वन कमा जीरो क्या वन जीरो को जानता है क्या वन जीरो को जानता है नहीं जानता है भाई वन जीरो को नहीं जानता है डैट मीन्स कि वन हो सकता है सेलिब्रिटी है ना वन हो सकता है सेलिब्रिटी हम लोग चेक करेंगे कि क्या जीरो वन को जानता है क्या जीरो जो है एम ऑफ जीरो कमा वन इस वाला स्टेट क्या जीरो वन को जानता है हाँ हाँ हा, जानता है जीरो वन को जानता है तो जीरो तो नहीं हो सकता है सेलिब्रिटी तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोगों ने पॉप किया था जीरो एंड वन को यहाँ पे हम लोग पुश कर देंगे वन कि जीरो तो वन को जानता है दैट मीन्स कि जीरो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है तो स्टैक में हमारे पास क्या बचा स्टैक में हमारे पास सिंपली एक एलिमेंट बचा है क्योंकि अब दो एलिमेंट नहीं है तो हम लोग और पॉप नहीं कर सकते हैं स्टैक में से तो स्टैक में अगर एक एलिमेंट बचे तो ये एक कौन सा एलिमेंट हो सकता है इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तो देखो स्टैक में हमारे पास एक एलिमेंट बचा है वन

कि पोटेंशियल सेलिब्रिटी हो सकता है ठीक है ये क्यों हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि देखो हम लोगों ने कौन कौन सा इंडेक्स चेक किया हम लोगों ने चेक किया टू कॉमा को चेक किया एंड हम लोगों ने इस वाले को चेक किया एंड हम लोगों ने इस वाले को चेक किया ठीक है हम लोगों ने इन तीन ही इंडेक्सेस को बस चेक किए हैं लेकिन लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि अगर वन को सेलिब्रिटी होना है अगर वन को सेलिब्रिटी होना है तो हम लोगों को इस वाले पूरे रो को एंड इस वाले पूरे कॉलम को चेक करना होगा चलो कॉलम को तो हम लोगों ने चेक कर लिया है लेकिन इस वाले रो को हम लोगों ने पूरा चेक नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले इंडेक्स को हम लोगों ने चेक नहीं किया है हो सकता है यहाँ पे वन पड़ा हो कि वन जो है वो टू को जानता हो है ना हो सकता है यहाँ पे वन पड़ा हो तो यहाँ पे हम लोग वन को क्या बोलेंगे कि ये पोटेंशियल सेलिब्रिटी है कि हो सकता है कि ये सेलिब्रिटी हो लेकिन हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बचता है कि हम लोग इस रो में जो भी हमारे पास पोटेंशियल सेलिब्रिटी पड़ी हुई है जैसे कि यहाँ पे वन है तो हम लोग इसकी रो में पूरा ट्रेवर्स करें एंड इसकी कॉलम में पूरा ट्रेवर्स करें इसकी रो में देखें कि ये पूरा जीरो होना चाहिए कि ये किसी को ना जानता हो एंड इसकी कॉलम में एक्सेप्ट डायगोनल वाला एलिमेंट सारे वन होने चाहिए कि सब लोग इसको जानते हो तो ये सिंपल सा काम बचता है तो इसको हम लोग एक लूप लगा के कर लेंगे तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइस तो चलिए इसको कोड करते हैं कोड करते करते मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इसको इग्नोर करना गाइस जो बाइनरी सर्च दिखा रहा है ना क्योंकि ये जो है ये मुझे लगता है हैंग हो गया है ये सही से वर्क नहीं कर रहा है मैंने देखा इसको कई बार रिफ्रेश करके तो यहाँ पे क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा है लेकिन इसका जो कोड एडिटर है वो अभी सही है वो सही है वो देखो यहाँ पे सेलिब्रिटी लिखा है तो ये सेलिब्रिटी क्वेश्चन का कोड एडिटर है लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो उसका नहीं है तो उसको इग्नोर करना इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ ताकि वो आपको दिखे ही ना तो ये कोड एडिटर उसी का है इस सेलिब्रिटी प्रॉब्लम का तो देखो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे एक stack. Stack किसका बनाएंगे स्टैक ऑफ इंटीजर स्टी इक्वल्स टू न्यू स्टैक एक हम लोगों ने बना लिया स्टैक ठीक है क्या करना है इसमें सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देना है फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन एंड आई प्लस प्लस क्या कर देंगे स्टैक में हम लोग कर देंगे पुश किसको आई को ठीक है सारे एलिमेंट्स को स्टैक में पुश कर दिया ठीक है अब स्टैक में से पॉप कराना है स्टैक में से पॉप कराना है जब तक स्टैक की साइज जो है वो ग्रेटर देन है वन है ना जब तक वो ग्रेटर देन है वन तब तक हम लोग पॉप करेंगे हम लोग एक एक बार में दो दो एलिमेंट पॉप कराते हैं स्टैक से तो आई एन टी एक्स टू स्टैक डॉट पॉप स्टैक से पॉप होगा पहला एलिमेंट आई एन टी बी इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप दूसरा एलिमेंट अब देखो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर मैट्रिक्स में अगर ए जो है वो अगर बी को जानता है अगर ए बी को जानता है दैट कि ए तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है तो क्या कर दो पुश कर दो किसको बी को अगर ऐसा नहीं है तो किसको पुश कर दो तब पुश कर दो किसको ए को पुश कर दो तब पुश कर दो ए को कि अगर बी ए को जानता है तो हो सकता है कि ए सेलिब्रिटी हो ठीक है ये काम हो जाएगा एंड इस लूप के बाहर आएंगे तो हमारे पास टैक में एक ही एलिमेंट बचा होगा गाइस है ना तो उसको हम लोग ले, ले, ले लेते हैं लेट्स से पोटेंशियल सेलिब्रिटी है ना पोटेंशियल सेलिब्रिटी इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप उसको भी हम लोग पॉप कर लेते हैं स्टैक में से तो वो पोटेंशियल यहाँ पे सेलिब्रिटी आ गया अब इसको चेक करना होगा कि ये सेलिब्रिटी है भी या नहीं तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक और लूप लगाएंगे फॉर आई एन टी आई कुछ टू जीरो आई इज़ लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर 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 अगर, अगर मैट्रिक्स में अगर पोटेंशियल कैंडिडेट जो है अगर जो पोटेंशियल सेलिब्रिटी है वो अगर किसी को जानता है यानी कि एम ऑफ पोटेंशियल सेलिब्रिटी ऑफ आई अगर वो किसी को जानता है अगर डब्ल्यू कच टू वन है कि वो अगर किसी को जानता है या फिर या फिर एम ऑफ आई कमा पोटेंशियल सेलिब्रिटी अगर ये अगर कोई इसको नहीं जानता है दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो पोटेंशियल सेलिब्रिटी को नहीं जानता है देखो यहाँ पे डब्ल्यू कच टू जीरो है तब क्या करो तब यहाँ से रिटर्न कर दो माइनस वन ठीक है अदरवाइज यहाँ पे लास्ट में अगर सब कुछ सही है तो लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको पोटेंशियल सेलिब्रिटी को कि हाँ सब कुछ सही है भाई ये सेलिब्रिटी है ठीक है ये हो गया अच्छा एक और चीज़ है गाई यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट का हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका रहना ना रहना एकदम इक्वल एक है है ना तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना रहना है कि अगर आई जो है वो नॉट इक्वल्स टू है पोटेंशियल सेलिब्रिटी के तभी चेक करो तभी ये वाला काम करो अदरवाइज मत करो क्योंकि दोनों अगर सेम है तो करके चेक करके कोई फायदा है ही नहीं ठीक है तो उसका हम लोगों ने ध्यान रख लिया डायगोनल एलिमेंट का अब ये कोड आई थिंक हो चुका है चलिए इसको कर लेते हैं रन एंड फिर करेंगे इसको सबमिट एंड फिर कर लेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइस इसको कर लेते हैं सबमिट अच्छा एक और पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है गाइस हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो कि क्या दो सेलिब्रिटी हो सकते हैं तो इस पॉइंट को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे तो ये सबमिट हो जाएगा हाँ सिक्सटी वाई सिक्सटी सिक्स हाँ हो गया सबमिट अब देखो अब देखो हो सकता है आपके मन में क्या डाउट आ रहा हो कि क्या दो सेलिब्रिटी हो सकते हैं क्या दो सेलिब्रिटी हो सकते हैं मैं बोलूंगा दो सेलिब्रिटी नहीं हो सकते हैं कैसे नहीं हो सकते हैं देखो कि अगर लेट से इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं क्या है हमारे पास जीरो वन जीरो 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 वन जीरो है ना ये हमारे पास एक आ है तो आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि क्या दो सेलिब्रिटी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो एक सेलिब्रिटी होगा ना भाई वो किसी को नहीं जानता होगा एक सेलिब्रिटी जो होगा वो किसी को नहीं जानता होगा एंड सेलिब्रिटी होने की कंडीशन ही क्या थी कि उसको सब लोग जानने चाहिए तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे टू भी हो सकता है कि सेलिब्रिटी हो, हो ही नहीं सकता है क्योंकि अगर टू को सेलिब्रिटी होना है तो वन उसको जानना चाहिए मतलब वन जो है वो टू को जानता होना चाहिए लेकिन टू को जो है वन नहीं जानता है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई एक सेलिब्रिटी है तो उसके पूरे रो में ज़ीरो पड़ा होगा उसके पूरे रो में जीरो पड़ा होगा एंड उसके अगर पूरे रो में जीरो पड़ा है दैट मीन्स कि वो किसी को नहीं जानता है ही डजेंट नो एनी वन एंड अगर ये किसी को जानता ही नहीं है तो और कोई दूसरा सेलिब्रिटी हो ही कैसे सकता है क्योंकि दूसरे सेलिब्रिटी होने का कंडीशन क्या है कि सब लोग उसको जानने चाहिए एंड अगर उसको एक भी बंदा अगर ऐसा है जो उसको नहीं जानता है तो वो सेलिब्रिटी होगा ही नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे पास दो सेलिब्रिटी नहीं हो हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई भी सेलिब्रिटी ना हो कैसे जैसे कि यहाँ पे अगर वन रहता लट से यहाँ पे वन रहता तो ये होता ही नहीं सेलिब्रिटी क्योंकि इसके पूरे रूम में जीरो नहीं है एंड इसमें वन नहीं है इसमें वन तो है खैर

वो भी विकॉफ एन है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप की कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर देना गाइज क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं रेगुलरली कंटेंट बना के उसको एडिट करके उसको अपलोड करने में सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू